हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को। आज की ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ। सुबह के टाइम है अभी, जैसे कि मैं अभी उठ के, और इसके बाद फिर अभी बजे हैं 5:15 बज गए हैं, और पानी पी रही हूँ, नॉर्मल वाटर ही पी रही हूँ। वैसे मेरा जो गुनगुना पानी सुबह उठ के मैं नहीं पी पाती, थोड़ा सा ही जैसे ही फिर पानी जो नॉर्मल वाटर ही पीती हूँ। फिर इसके बाद थोड़ा सा बालकनी में आई और थोड़ा सा बाहर का नज़ारा देख रही हूँ। और अभी इस समय ना सुंदर सा हवा चलते हैं, तो बाहर के जो खिड़की दरवाजा है घर के, वो सब खोल देना ठीक रहते हैं। लेकिन घर में सभी तो इस समय उठते नहीं हैं, तो इसलिए खुलती नहीं हूँ। और मैं खुद से बाहर खड़ी रही और मिट्टी वगैरह थोड़ा सा चेक कर रही थी, और इस जो गमले हैं उसमें थोड़ा सा मिट्टी डालना पड़ेगा। फिर इसके बाद मैं चली आई रूम के अंदर, और सुबह में आज पता नहीं बारिश होगा कि नहीं होगा, और जैसे लग रहा था हल्का सा बादल छाए हैं। फिर इसके बाद थोड़ा सा झाड़ू लगा दिए। ऐसे मैं दिखाती हूँ इसीलिए जो जो सुबह से मैं करती हूँ आपके साथ वो शेयर करती हूँ। और जैसे कि ये एक ट्रेडिशन भी है, और ऐसे कुछ इम्पॉसिबल काम तो नहीं है जो अपने आप इसको कर सकते हैं हम लोग। और घर के जो छोटे छोटे चीज़ होते हैं उसमें करने से अलग से ही आनंद होते हैं, तो इसीलिए मैं इसको आपको दिखाती हूँ। आपके कुछ कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, आप अगर देखते हैं तो मुझे ज़रूर फॉलो कीजिए। मैं डेली व्लॉग कुछ ना जो भी होते हैं रूटीन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और अभी मैं फिर नहाने चली गई थी, और इसके बाद कुछ चाय बनाऊँगी। हमारे घर में चाय सुबह एक कप चाहिए, तो पहले चाय पीते हैं। लेकिन उसके पहले मैं लंच और जो नाश्ते का प्रिपरेशन मैं करती रहती हूँ, और उसके साथ साथ चाय भी बन जाते हैं, तो एक ही साथ दो तीन काम आराम से हो जाते हैं। और फिलहाल चाय बन गई है। बहुत फैमिली ऐसे भी है सुबह उठ के चाय नहीं पीते हैं, बहुत अच्छी आदतें हैं। लेकिन अपना अपना जो होते हैं ना घर में, जैसे चालू हो जाते हैं उस तरीके से। तो अभी फ़िलहाल मैं इसके बाद जो लंच और जो नाश्ते का प्रिपरेशन इस समय ही कर लेती हूँ, और जिस एक ही समय से दो तीन काम आराम से हो जाते हैं। नॉर्मल आलू बीन्स का सब्जी बना रही हूँ। तड़के में डाली हूँ जीरा और उसके साथ प्याज, हल्का सा भून रही हूँ। आलू हल्का सा ब्राउन हो जाए उस समय मैं जो बीन्स कटी हुई उसको डाल दूँगी। और अभी इसको डाल दिए हैं, थोड़ा सा नमक हल्दी मिर्च वगैरह डाली हूँ, और कवर करके कुछ देर के लिए छोड़ दूँगी। और उसी बर्नर में मैं डाली हूँ चावल। इसी तरह एक ही साथ दो तीन काम ऐसे करती रहती हूँ, और इसके साथ साथ कुछ देर बाद जब कवर खुली तो इस तरह से बने हैं। आप सभी के घर में भी ऐसे ही होते हैं, सुबह बहुत ही जल्दी रहते हैं, इसके साथ दो तीन काम एक साथ करना पड़ता है, तो इस तरह से ही होते हैं सब घर में, कुछ ना कुछ बिजनेस तो है ही, तो एक एक तरह से है। और अभी बाहर जब मैं देख रही हूँ काफ़ी बारिश चल रहे थे, हल्का हल्का बारिश तो चल ही रहे थे। मैं इसीलिए वीडियो बनाती हूँ कि जैसे कि डेली जो रूटीन होते हैं वो शेयर करती हूँ। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। थोड़ा सा ही सही अगर आप कमेंट्स करते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगते हैं, और इससे मुझे कुछ फ़ायदा तो नहीं होते हैं, फिर भी जुड़े रहना और कुछ बातें आपके साथ करना यही एक अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं करती रहती हूँ। आपको कैसे लगते हैं मुझे ज़रूर बताना, और इसके लिए बहुत टाइम देना पड़ते हैं, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ डेली कुछ ना कुछ जो भी होते हैं आपके साथ शेयर करूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ, आप सभी अच्छे होंगे। सुबह की शुरुआत हो गई है, आज सुबह से बारिश हो रहा था, आपको दिखाई थी। फिर कुछ देर बाद अभी थोड़ी देर बाद बारिश कम हो गया है, अर्ली मतलब बहुत सुबह काफ़ी बारिश हो रहा था। मौसम इधर थोड़ा सा चेंज होने लगे हैं, बारिश के मौसम में बारिश हो और गर्मी के मौसम में थोड़ा सा गर्म हो, ऐसे ही अच्छा लगते हैं। बातें तो बहुत हैं इस तरह का, बहुत सारे बातें जब बोलती हूँ तो मन में आ जाते हैं,
फिलहाल मैं डोसा बना रही हूँ, दाल भी बन गए हैं और इसके बाद फिर कुछ बर्तन वगैरह था उसको भी हाथों हाथ क्लीन करके रख रही हूँ। अपना काम करने में एक अलग ही मज़ा होते हैं, जब करो आपको मन चाहे कर लो, नहीं तो आपका जो इस टाइम पे आपको लगता है कि समय कर लेना ठीक है तो उसमें कर लो, नहीं तो अगर डिपेंड हो जाते हैं हेल्पर के लिए तो उसी समय वो कब आए कब नहीं आए, और कभी कभार तो बिल्कुल नहीं आए तो अब तो बस उसके साथ पूरा सुबह से जो आपका जो काम हो पूरा बंद हो जाएंगे। तो इसीलिए जो हेल्पर के हेल्प नहीं लेते हैं तो उसके लिए एक खुश बात यह है कि अपना काम खुशी से करें और जब मन जाए ख़त्म करके बैठ जाए, नहीं तो ऐसे ही चलते रहते हैं। वर्किंग वूमेन जो हैं उन लोग बाहर चले जाते हैं, उनके बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, होममेकर जो होते हैं उनका भी बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम रहते हैं जिसका निभाना समय के साथ साथ बहुत ही ज़रूरी हो जाते हैं, और हेल्पर के लिए समय देना वो भी एक बड़ी बात हो जाते हैं, और कब क्या करे ना करे उसके ऊपर आपको ध्यान रखना। फिलहाल समय इस तरह से काफ़ी चले भी जाते हैं। चलो सुबह का जो बर्तन था वो हाथों हाथ अभी धुल चुके हैं और इसके बाद थोड़ी देर पानी ऐसे ही निकालने देती हूँ और फिर इसके बाद जब सूख जाएंगे अपने अपने जगह पे रख दूँगी। अभी 9:10 बज गए हैं। खुद का काम खुद कर सकते हो तो अच्छा है, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसे भी ज़रूरत होते हैं लोगों को कि अपना काम निभाने के लिए हेल्पर के ज़रूरत पड़ जाते हैं तो उनको तो रखना चाहिए। फिर भी ऐसे ही बात है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, अपने घर के जो भी काम है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद निभाने से कोई छोटे नहीं हो जाते हैं, और इसके साथ साथ आपके जो बॉडी की मूवमेंट होते हैं इसकी वजह से आपके शरीर भी ठीक रहते हैं। अभी इस तरह से बारिश चल रहे हैं, मौसम इधर थोड़ा सा चेंज होने लगे हैं, बारिश के मौसम में बारिश हो और गर्मी के मौसम में थोड़ा सा गर्म हो ऐसे ही अच्छा लगते हैं। ऐसे तो बात नहीं है लेकिन क्या होता है कि ज़्यादा गर्मी में सबको थोड़ा बहुत ही परेशान होते हैं इंसान, जो बाहर निकलते हैं उनको तो ज़्यादा परेशानी हो जाते हैं। फिर भी हाउसर के वाइफ के भी काम कम नहीं होते हैं, हरदम कुछ ना कुछ हम किसी चीज़ में एंगेज रहती हैं, और जो घर में रह के अपना जैसे मैं यूट्यूब का कुछ काम करती हूँ तो इसके लिए बहुत वक्त देना पड़ते हैं, तो सबको ही सारा दिन में बहुत ज़्यादा काम रहते हैं, तो प्रोफेशनली जो बाहर जाते हैं उनको तो है ही, घर में जो हाउस वाइफ है उनको भी है मुझे लगता है। तो चलिए चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ, और इसके बाद एडिट करते करते बहुत समय निकाल जाते हैं, जितना भी हो पाते हैं मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए, कोई कोई मुझे कमेंट्स करते हैं और कोई कोई कमेंट्स नहीं करते हैं। ब्लॉग बनाती हूँ जरूर देखिए, अच्छा लगेंगे मुझे, आपके लिए ही बनाती हूँ, और इसके साथ कुछ मोटिव शेयर करती हूँ, आपको कैसे लगे मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइए। तो नेक्स्ट ब्लॉग में भी मिलते हैं, आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, बाय बाय।